चलती है हिमानी राजा जो पुणे की रहने वाली है। हिमानी ने मिस इंडिया इंटरनेशनल रोल मॉडल का खिताब भारत के नाम दिया। यह स्पर्धा सिंगापुर में आयोजित हुई। स्पर्धा में 32 देशों से आए पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। हिमानी ने अपनी बुद्धि और हुनर की वजह से यह खिताब जीता। अब वो अफ्रीका में होने वाले मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करेंगी और ऐसे ही देश का और घर वालों का नाम ऊंचा करेंगी। नमस्ते, मेरा नाम हिमानी राजवाड़ी है। सो सिंगापुर में गई, वहाँ 32 कंटेस्टेंट थे ऑल ओवर इंडिया, इवन फ्रॉम मलेशिया से कंटेस्टेंट थे, सिंगापुर से भी थे। एंड आई वॉज इन अ मिस कैटेगरी, आई हैव द विनर एंड द टाइटल होल्डर फॉर रोल मॉडल। सो ये जो जर्नी थी, 7 दिन की जर्नी थी, हमारी ट्रेनिंग हुई, हमारा टैलेंट राउंड हुआ, सब कुछ काफ़ी हार्ड था, बट कहते हैं दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो उसी चीज़ को मैंने पॉसिबल किया है ये मैसेज देते हुए कि नो मैटर व्हाट योर एज इज़, आप कर सकते हैं अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो। 7 दिन की ट्रेनिंग थी, सुबह ट्रेनिंग होती थी, शाम को सेशंस होते थे काफ़ी, देन इट वॉज़ वेरी टायरिंग। बट लास्ट डे जब मैंने अपना नाम देखा क्रोन लेते वक्त पे, तब मैंने सोचा आज मेरी वो मेहनत सफल हुई है, आज मेरे पेरेंट्स को प्राउड होगा कि मेरी बेटी ने इतनी कम उम्र में ये किताब हासिल किया है। जब मैंने उन्हें ये बात बताई सो वो बहुत खुश हुए। एंड अभी राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल जो कि सितंबर में होने वाला है। सो मैं उम्मीद रखती हूँ कि वहाँ भी मैं इसी तरह अपने फैमिली का नाम रोशन करूँगी, अपनी कंट्री का नाम रोशन करूँगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। एक्चुअली मुझे हील्स में वॉक करने में प्रॉब्लम होती थी बिकॉज 5-6 इंच के हील्स पहनना आसान नहीं था, एंड 7 दिन ट्रेनिंग में लगातार हमने वही पहने थे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरी वॉक गलत हो सकती है, बट एक कॉन्फिडेंस था कि गलत नहीं होना है। सो आई थिंक मैंने हर जगह पे सही किया एंड सबसे ज़्यादा मार्क्स लेते हुए मैंने विनर का टाइटल हासिल किया।